वक्फ बोर्ड तथा इमामबाड़े की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत किया जाना पड़ा महंगा। विपक्षियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक अधिवक्ता के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिए गए। यह आरोप लगाते हुए अधिवक्ता रानी महल निवासी समीम खान ने जिला अधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि पेशे से कुछ अधिवक्ताओं ने वक्फ बोर्ड तथा इमामबाड़े की करोड़ों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मार्केट आदि का अनाधिकृत निर्माण करवा दिया। इसकी शिकायत उसने शासन व प्रशासन से की थी। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अभियान शुरू करने से कब्जाधारी बौखला गए और उसके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक 2 मुकदमे दर्ज करा दिए गए। प्रार्थना पत्र में उसने दर्ज मुकदमा की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार की है। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। भाई साहब, ऐसा है कि हमने झांसी के अंदर जो कब्रस्तानों की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी तो बदले में मिले 2 मुकदमे। आपकी बाहर दतिया गेट बफ नंबर 54, बफ नंबर 73 इतवारीगंज, बफ नंबर 149 वो भी इतवारीगंज में, और बफ नंबर 1 साइन कर तकिया। ये तकरीबन ये प्रॉपर्टियाँ सरकार की प्रॉपर्टियाँ हैं और इस पर कब्रस्तान मजार इमामबाड़े बने हुए हैं। और यह खेल क्या हो रहा है, खेल इस प्रकार हो रहा है कि उन संपत्तियों पर पहले तो फर्जी कमेटियाँ बनाई जाती हैं और तकरीबन 20 साल से उन प्रॉपर्टियों पर काबिज हैं। उनके खिलाफ सिर्फ हमने क्या करा कि हमने एक सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमारे पास ठीक है जानकारी आई और हमने उस जानकारी पर हम जाकर उनसे मुलाकात करी। मुलाकात करने के बाद तो सारे उनके दिशा निर्देश में सारे दस्तावेज डीएम साहब के हमने प्रेषित कर दिए। जैसे ही हमने प्रेषित कर दिए तो भूमाफियाओं की नींद हराम हो गई, वो बौखला गए। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने झूठे मुकदमे करना हमारे खिलाफ शुरू कर दिए। एक मुकदमा उन्होंने 252/22 अभी लिखवाए कोई छेड़छाड़ का, और एक मुकदमा उन्होंने 232 बार, एक हफ्ते में मेरे ऊपर 2 मुकदमे हो गए। कौन लोग हैं ये मुकदमे करा? ये भूमाफिया, ये इनका नाम है नूर अहमद मंसूरी, याकूब अहमद मंसूरी और इनके परिवार वाले, ये षड्यंत्र रच करके विभिन्न थानों में अपने बातकारियों से हमारा नाम एप्लीकेशनों में डलवा करके मुकदमे लिखवा रहे हैं। इससे पहले इनके मुकदमे लिखे हुए हैं? इनके ऊपर तकरीबन दर्जनों मुकदमे हैं। नूर थाना कोतवाली का हिस्ट्री सीटर है और याकूब के ऊपर भी काफ़ी मुकदमे, उसका भाई मंसूर का भी नाम कोतवाली की प्रचलित हिस्ट्री सीटर पर डिस्प्ले पर मौजूद है। लेकिन ये चाह रहा है कि किसी तरीके से हमारा भी नाम इसी तरीके से बढ़ता जाए क्राइम में और हम किसी तरीके से अंदर हो जाए। आज कप्तान साहब ने कहा है कि आपके ऊपर जो मामले हैं हम उनकी जांच करा रहे हैं, झूठे पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जिन्होंने कार्रवाई की उन पर कार्रवाई